सोशल मीडिया पे अभी ट्रेंडिंग चल रहा है कि देखो मुनावर तो एक नाम था, इसीलिए उनको जिताना पड़ा, दलित ने जिताया। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपको कहने के दिल में लग रहा है कि महेश विनर हो सकता है? सेटिंग से है या अपने फैन से है, मुझे नहीं पता क्या है, वो आपको पता है। मनाने जी विनर हो सकती है, मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है। यस यस, अगर आप बोल रहे हो कि ऐसी नाइंसाफी हुई है, मुझे सर ने एक बार, समाज सर ने बोला था एक वीकेंड के बाद पे कि मनारा तुम ये मत सोचो कि सब तुम्हें ऐसा यू नो वीक फील कराए और टारगेट करे। मैं बहुत सारी जो लड़कियां हैं उन्हें इंस्पायर कर पाई हूँ इन माय ओन, जस्ट बीइंग माय ओन सेल्फ एंड बीइंग माय नेचुरल सेल्फ। सो थैंक यू सो मच टू ऑल माय फीमेल फैंस। एंड वेल, बिग बॉस का ये सीजन अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से खूब सुर्खियों में रहा, लेकिन शो के खत्म होने के बाद भी कंटेस्टेंट्स की लड़ाइयां खत्म नहीं हुई हैं। वेल, ऐसा हमारा नहीं बल्कि लोगों का कहना है। जी हां, दरअसल हाल ही में मनारा चोपड़ा को सीटी में स्पॉट किया गया। ऐसे में मीडिया मनारा से मुनव्वर की जीत के बारे में पूछती है, जिस पे मनारा ने दिया ऐसा जवाब कि हर कोई रह गया शॉक। तो क्या कहा मनारा ने, तो चलिए आप खुद ही डालिए इस वीडियो पर एक नजर। आइए मनारा जी, मुझे आप ही देखिए दिल से खेल रही थी, जीतने के लिए खेल रही थी, लेकिन आपको बिग बॉस हाउस में भी सबसे ज्यादा खूबसूरत आदमी थी, सबसे अच्छी खेल रही थी। कहीं ना कहीं आपको दिल में नहीं लग रहा कि आप ही जीत सकती थी? अब मारा धोखा हुआ या ना इंसाफी हुआ? मतलब मैं अभी कल एक फैन को मिली, मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर पे गई थी, तो वहाँ पे एक लेडी आई, शी वॉज लाइक कि मैं दिल्ली से आई हूँ, नोएडा से, एंड यू नो व्हाट, मेरी अभी बेटी हुई है और मैंने डिसाइड करा कि मैं उसका नाम मनारा रखूँगी। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का दिल आपके जैसा और वो इतनी स्ट्रांग हो जितने आप थे, तो मेरे लिए इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करना घर से बाहर आके बहुत बड़ी बात है। आई एम सो ओवरवेल्ड, एंड जैसे मैं घर से बाहर भी निकली, एक रिपोर्टर थे और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी डॉटर है 16 years old और वो कहती है कि ये देखो इस घर में जो है ना ये मनारा दीदी जो है इसके जैसा बनना है मुझे, शी इज़ सो स्ट्रांग एंड शी इज सो नेचुरल एंड शी इज सो रियल। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत सारी जो लड़कियां हैं उन्हें इंस्पायर कर पाई हूँ इन माय ओन, जस्ट बीइंग माय ओन सेल्फ एंड बीइंग माय नेचुरल सेल्फ। सो थैंक यू सो मच टू ऑल माय फीमेल फैंस एंड ऑफ कोर्स ऑल द बॉयज एंड द होल जनता जिसने मुझे सपोर्ट किया। जनता, आपके प्यार के बिना तो मनारा यहाँ हो ही नहीं पाती। एंड टू ऑल द मीडिया, आज आप सब मुझे इतना प्यार करते हैं तो ही आई है। सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। एक लास्ट सवाल मैम, सोशल मीडिया पे अभी ट्रेंडिंग चल रहा है कि देखो मुनावर तो एक नाम था, इसीलिए उनको जिताना पड़ा, दलित ने जिताया। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपको कहने के दिल में लग रहा है कि महेश विनर हो सकता था मुनावर? क्यों? क्यों नाम है उसका सोशल मीडिया पर, इसलिए? तो क्या बोलना है रिएक्शन आपको? तो अगर वो जीते हैं तो वो नहीं, उससे लोगों को क्या सेटिंग से जीते, सेटिंग से इधर आ गया या सेटिंग से है या अपने फैन से है, मुझे नहीं पता क्या है, वो आपको पता है। मनाने जी थोड़ा आगे आइए, मैं पूछ रहा हूं आपको, आप विनर हो सकते थे लेकिन आपका ना इंसाफी हुआ है। अच्छा, ये किसी का ना विनर हो सकती थी, मेरे साथ ना इंसाफी हुआ है? यस यस, ओके। सो मैं जस्ट बोलना चाहती हूँ, बट मैं फिर भी यहाँ हूँ, आप सबके प्यार की वजह से हूँ। और अगर आप बोल रहे हो कि ऐसी नाइंसाफी हुई है, मुझे सर ने एक बार, समाज सर ने बोला था एक वीकेंड के बाद पे कि मनारा तुम ये मत सोचो कि सब तुम्हें ऐसा यू नो वीक फील कराए और टारगेट करे, तुम ये सोचो कि सब ने तुम्हें चूज़ किया उस जर्नी के लिए। तो अगर आज सोशल मीडिया पर लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मनारा इज द काइंड ऑफ रियल विनर, तो मैं उन सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरी जर्नी को सच में जी है, दिल से जी है। एंड इतने यू नो फनी फनी वीडियोस बन रहे हैं, अभी वो चाय वाला वीडियो बना तो मैं तो उसको देख के ऐसे हो गई। सो थैंक यू फॉर द लव एंड थैंक यू, आपने मुझे एक विनर की तरह देखा। बट मैं सीरियसली सच में बोल रही हूँ,
मैं बहुत खुश हूँ अपनी जर्नी से, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो नेक्स्ट क्या है आपका प्रोजेक्ट, कुछ अभी तक कुछ तैयारी की, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या करने वाले आप अभी? तो जो मेरे पिछले प्रोजेक्ट्स थे, एक मेरी फिल्म नेक्स्ट मंथ रिलीज होगा, एक तो वेब ऑलरेडी रिलीज हो गया, एंड अभी उसके अलावा मैं बिल्कुल बाहर आई हूँ एंड लाइक आई एम बैक टू वर्क एंड अभी भी मैं काम पे ही हूँ एंड या आई एम एंजॉइंग माई जर्नी एंड मेरे लिए बस प्रे करिए, आपने मेरे लिए इतने वोट्स दिए हैं, मेरे को मेरे लिए इतना प्यार दिया है, तो आगे प्रे करिए क्योंकि मैं बॉम्बे आई हूँ सिर्फ काम के लिए एंड आई वॉन्ट कि लोग मुझे एक्टिंग में सीरियसली ले, मेरे को ऐसे रोल्स ऑफर करें मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स, आई लुक फॉरवर्ड टू दैम। तो आप मेरे को बस जर्नी में सपोर्ट करिए और मनारा को तो रॉक करना ही है क्योंकि वो तो आपकी मना है। और आप सबका प्यार भी मिल गया, सो थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू। चलो जाने दो जी मना जी। अरे क्या वंस मोर।